नमस्कार, मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू की शिक्षा नगरी पिलानी में। पिलानी की तरफ जब आप चिड़ाव की तरफ से आगे पिलानी में घुसोगे तो आप देख सकते हैं कि रोड पे बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे वाहनों की जाँच वगैरह की जाती है क्योंकि ये रास्ता आगे भी निकलता है। इसके अलावा आज पिलानी में मौजूदगी का मतलब ये है कि आज पिलानी के बारे में कोरोना काल के दौर का समय और उससे पहले के हालात और आने वाले दिनों में पिलानी शिक्षा नगरी के रूप में किस तरीके से उभरती है, ऐसी कुछ चर्चाओं को लेकर हम करेंगे पिलानी विजिट। वहाँ के लोगों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन इससे पहले जो बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर पुलिस के कुछ जवान मुस्तैद हैं, उनके बारे में भी चर्चा अपन करते हैं, उनसे भी आपको करवाते हैं रूबरू की किस वजह से ये जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, किन वाहनों की जाँच की जाती है और उस जाँच के पीछे का जो है वो लॉजिक क्या है। तो चलो करते हैं बात। नमस्कार जी। नमस्कार। पिलानी थाना वो ट्रैफिक इंचार्ज पिलानी मुन्नी राम जी, आज की बैरिकेडिंग रेडी है या कि कोरोना काल के दौर ही या फिर दूसरे तरीकों आना की से? ये कोरोना की वजह से कर रखी है, नाकाबंदी करते हैं, कागज़ चेक करते हैं, डिस्टेंस वगैरह मास्क वगैरह इनके भी पालना करवा रहे हैं, इन्हीं पालना उसके साथ इनको समझाएं। मैं जहाँ जगह बैरिकेडिंग गई अठे जगह गाड़ियों की जांच वगैरह हुआ है तो पंगमा की चीज़ पूछी जाए, क्या की के चीज़ों की जांच करी जाए? इन गाड़ियों में भी सवारी हैं, जैसे उनमें भी जैसे एक गाड़ी में है जैसे तीन सवारी बैठा ले, ज़्यादा नज़दीक नहीं बैठे, मास्क वगैरह लगाएं, डिस्टेंस की ज़्यादातर पालना करवा रहे हैं। तो गाँवों की तक लोग पिलानी आवें और ज़्यादातर के काम आने को भंगो रीजन है? ज़्यादातर अपने जैसे बीमार हो जाते हैं वही लोग ये हॉस्पिटल में आते हैं। कोई आवश्यक सेवाएं जैसे गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बना रखी है उसके अनुसार ही ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादातर जगह बीमारी की वजह इस जगह इलाज के लिए हॉस्पिटल के लिए आए, गाँव में लोग ही ज़्यादा? हाँ, ज़्यादातर इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा जहाँ बाहरों बात करें, दूसरे इधर डिस्ट्रिक्ट हूँ या दूसरे शहरों जगह लोग आए हैं तो बैंक की संख्या कितनी का अनुमानित? उनमें तो कोई कुछ ही ऐसे 5% आदमी ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, ज़्यादातर बंद हैं बाहर वाले, तो लोकल ही ज़्यादा ये जो बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल में वही आदमी यहाँ आते हैं। व्यापारिक वाहन है बड़ा जगह माल ढोने को काम करें, ट्रक वगैरह ही और ही, तो आंकी कत्ती का जो आवाजाही है इनमें ज़्यादातर 15% के आसपास ही चल रहे हैं और ज़्यादातर ये भी बंद हैं, बाकी 15% मालवाहक जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। 11 बजे के बाद में तो मान लो कोई 5% के आसपास ही रहता है। कोई आवश्यक सेवाएँ किसी को अगर ज़रूरी है आना वो ही आते हैं, उनको भी हम चेक करते हैं कि किस कारण से यहाँ आए हो, और ज़्यादातर यही बताते हैं कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनके कागजात भी चेक करते हैं और बाकी जगह। एक बात करें कि जहाँ तारो जो इज्जत जगह भी जाबते की इज्जत ड्यूटी है तो भी कमा तारो की टाइमिंग रहे कितने एक आदमी की ड्यूटी कितनी देर रहे? इज्जा ज़्यादातर हमारी शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है, जैसे 8 घंटे हम नौकरी करते हैं, 8 घंटे में हम चेकिंग वगैरह गाड़ियों चेकिंग करते हैं, पब्लिक को मास्क वगैरह ये इनके समझाते हैं, डिस्टेंस के मामले में समझाते हैं यही, और गाइडलाइन जैसे राज्य सरकार ने जो नियम कर रखे हैं उनको समझाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, आने जाने वाले हर वाहनों की जांच यहाँ की जाती है, उसमें ज़्यादातर पालना करवाने का ये प्रयास किया जाता है कि गाड़ी में जो लोग हैं उनके चेहरे पर मास्क है या नहीं, गाड़ी में कितनी संख्या में लोग हैं, जैसा अलाउ किया गया है कि 3 ही लोगों वो दूरी पे बैठे। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद पुलिसकर्मियों का भी करना चाहूँगा जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में आज इस कड़ी धूप में जहाँ रोड पर और 8 घंटे की दिन में ड्यूटी कर रहे हैं, इनके पीछे भी घर और परिवार है। राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी अनुपालना कर सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिसकर्मी हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज कर्मचारी हों, ये कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे फ्रंटलाइन के जो वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले दिनों में उम्मीद रखते हैं सरकारों से कि इनके लिए कुछ ऐसी सहूलियतें दी जाएँ कि आज इस कठिन परिस्थिति में विषम परिस्थितियों में जो लोग सड़क के किनारे सड़क पर कड़ी धूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं उनको रंगीलो झुंझुनू सैल्यूट करता है। और आप सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि जहां भी आपको फ्रंटलाइन वर्कर्स मिलें आप उनका सम्मान कीजिए, उनके द्वारा निर्देश जो दिए जाते हैं उनकी पालना कीजिए। धन्यवाद।